सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 8 लोकमान्य की याद में पूरा पढ़ लिया है और समझ भी लिया। इसके हमने बेटा प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं, जीने की राह भी समझ ली और व्याख्या भी इसको ही हमने समझ ली है। अब बारी है भाषा की दुनिया की। भाषा की दुनिया में सबसे पहले हैं श्रुतलेख के शब्द। वयोवृद्ध, प्रकांड, प्रणयन, प्रतिष्ठा, यंत्रणा, विवश, दूभर और अक्षुण, ये 8 शब्द हैं। तो आप अपनी फेयर कॉपी में सबसे पहले शब्दार्थ श्रुतलेख के शब्द लिखेंगे, फिर आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे, है ना। और दूसरा प्रश्न है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, यह संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि से संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। अब दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। बुक में लिखा परिणामवाचक विशेषण, परिणाम गलत है बेटा, उसको आप सही कर लेना, परिमाणवाचक विशेषण। यह संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण माने मात्रा, क्वांटिटी की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराने वाला शब्द होता है। चौथा है संकेतवाचक विशेषण, यह सर्वनाम का वह शब्द होता है जो संज्ञा के साथ आकर उसकी ओर संकेत या इशारा करता है, उसकी ओर इंगित करता है। अब इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण भेद लिखिए। मैं कुछ महीनों से आपको पत्र लिखना चाह रहा था। तो कुछ क्या है बेटा, संख्या बता रहे, महीनों की संख्या है ना कुछ, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा रहा हूँ, तो जानकारी के पहले ऐसी आया तो उसकी जानकारी की ओर संकेत कर रहा है शब्द, संकेतवाचक विशेषण में आएगा। ग है उन्होंने गीता भाष्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। ग्रंथ कैसा है, प्रसिद्ध, उसका गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। मुझे यहाँ की पावन स्मृतियाँ सुख देंगी। स्मृतियाँ कैसी हैं, पावन, वो स्मृतियों का गुण बता रहा है ये शब्द, तो गुणवाचक विशेषण में आएगा। उन्हें जेल में काफ़ी कष्ट सहना पड़ा था। काफ़ी ये भी एक क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है, परिमाण बता रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। उन तक कोई अखबार भी नहीं पहुँचने दिया जाता था, तो कोई मतलब कोई एक भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था, माने संख्या बता रहा था, संख्यावाचक विशेषण। वे अपराधी के रूप में सजा काट रहे थे, अपराधी भी एक गुण बताया जा रहा है इसमें, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लोकमान्य तिलक ने यहाँ 6 वर्ष बिताए, कितने वर्ष बिताए, 6 वर्ष, संख्या बता रहे, तो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अब है बेटा प्रश्न 3। प्रश्न 3 में इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि भेद भी लिखिए। तो संधि पद है स्थानांतरण, स्थान में हमने अंतरण जोड़ा, जब स्थानांतरण बना और न के बाद अ आ रहा है और अ भी इधर शुरू में आ रहा है, तो ये स्वर संधि होगी, है ना। हतोत्साहित, हत में हमने उत्साहित शब्द जोड़ा, हतोत्साहित बना, तो ये भी स्वर संधि में आएगा। कारावास, कारा में हमने आवास जोड़ा, यह भी स्वर संधि में आया। कारागार, कारा में हमने आगार जोड़ा, दोनों तरफ आ आ है, स्वर है, तो स्वर संधि में आएगा। वयो वृद्ध, वय, वय माने उम्र, आयु, वय में हमने वृद्ध जोड़ दिया, तो उस कौन सी संधि हुई बेटा, ओ को हमने विसर्ग में बदला, तो विसर्ग संधि हो गई। दुर्भाग्य, ऊपर जो आधार है लगा हुआ है उसको हमने विसर्ग में बदला है, दू धन भाग्य, तो कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। अधिकांश, अधिक में हमने अंश को जोड़ा तब अधिकांश बना, दोनों तरफ स्वर है, तो ये स्वर संधि। पावन, पौ अन, तो ओ भी स्वर है, अ भी स्वर है, दोनों मिलके स्वर संधि बन जाते हैं। शरीरांत, शरीर में अंत जुड़ा तब ये शरीरांत बना है, तो दोनों तरफ स्वर आ रहा है, शरीर में भी एंड में अ है ना, र आधा और अ जुड़ा है इधर अ, तो ये भी स्वर संधि में आएगा। अब प्रश्न 4 है इन शब्दों के लिंग लिखिए। क है कारागार, कारागार माने जेल, पुलिंग शब्द में आएगा, पुलिंग में आएगा ये वाला शब्द, है ना। ख वाला उपस्थिति, उपस्थिति स्त्रीलिंग। देश पुलिंग, दिनचर्या स्त्रीलिंग,
जीवन पुल्लिंग विश्व पुल्लिंग, पीड़ा स्त्रीलिंग में आएगा, है ना, उसको पीड़ा हुई, क्रिया बताती है कि कौन सा लिंग है। क्षमता, क्षमता है आपका स्त्रीलिंग, है ना। अब है बेटा नंबर 5, कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो नीचे दिए गए समरूपी शब्दों के अर्थ लिखिए। अवधि, अवधि मैंने काल और समय भी होता है। अब जब इस अवध में बड़ी की मात्रा लग जाती तो ये एक भाषा का नाम है। अब ख वाला है ओर, ओर मैंने तरफ, साइड, है ना। और एक मात्रा और लग गई तो ये बन गया तथा, एंड। और कृति, कृति मैंने रचना, और कीर्ति, कीर्ति मैंने ख्याति। प्रकार, प्रकार मैंने भेद, प्राकार, प्राकार मैंने दीवार। अब ये शब्द जो बेटा सुनने में देख जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब है नंबर 6, जो सही उत्तर हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है आंतरिक शब्द इस प्रकार के मेल से बना है, तो ये वाला सही है बेटा, चौथा वाला। अंतर में हमने एक जोड़ा तब आंतरिक बना है, तो नंबर 4 पे आप टिक करेंगे। ख है सपूत का विलोम शब्द है कपूत, नंबर 3 पर आप टिक करेंगे, तीसरा वाला सही है। ग वाला है बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने अपार कष्ट सहे थे, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है बेटा। कम लोग, कम तो क्वांटिटी बता दी विशेषण, और बहुत उसका विशेषण की विशेषता बता रहा है, बहुत शब्द, तो बहुत आपका प्रविशेषण में आ जाएगा, तो नंबर 1 पे हम टिक कर देंगे। अब है बेटा रचना का संसार। अब रचना का संसार में क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने श्री केलकर को पत्र लिखा था। उनका पूरा नाम नरसिम्हा चिंतामन केलकर था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी केलकर जी लोकमान्य तिलक द्वारा संचालित और प्रकाशित केसरी नामक समाचार पत्र से जुड़े रहे थे। तो उनकी जीवनी पढ़िए, ये आप नेट से निकाल के पढ़ सकते हैं। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। आजाद हिंद फौज के बारे में एक परियोजना तैयार कीजिए जिसमें यह उल्लेख करना मत भूलिए कि इसकी स्थापना मूल रूप से किनके द्वारा की गई थी। तो ये भी हम नेट से ही सर्च करेंगे। सारे ये रचना के संसार के सारे प्रश्न जो हैं, आप चाहे जो भी चाहेंगे, एक प्रश्न आपको करना है जो आपके पसंद का हो, जीने की राह और रचना के संसार में। तीसरा है नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी ऐसा माना जाता है, किंतु अधिकतर लोगों की धारणा यही है कि वे आजादी के बाद तब तक जिंदा रहे थे। इस विचार के पक्ष विपक्ष में तर्क देते हुए वाद विवाद प्रतियोगिता, और ऐसे थे लोकमान्य तिलक, इस विषय पर एक अनुच्छेद पैराग्राफ हम लिख सकते हैं, तिलक जी का एक चित्र लगा करके उनके बारे में लिख सकते हैं एक पैराग्राफ। आपको जो भी पसंद आता है एक चीज आप लिख लेंगे, है ना। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि ये पुस्तक अभ्यास को आप अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे और याद करेंगे। लिखने के बाद आप मुझे भेज दें। धन्यवाद।